हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पिता ब्यूटी 9 से। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू ब्रॉन्ज मेकअप विद लिमिटेड प्रोडक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्टेप है क्लीनिंग। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये वेट वाइप। उससे मैं पहले अपना फेस क्लीन कर लूँगी। ये मेरा फेस अब क्लीन हो गया। अब अगर आपके ऊपर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका प्राइमर खत्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है एलोवेरा जेल, जो हम वैसे ही यूज करते हैं अपनी स्किन को ग्लोई रखने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट आज के टाइम में हर लड़की के पास अवेलेबल होता है। तो मैं अभी ये एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर यूज करूंगी। मैंने थोड़ा सा ले लिया और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे चेहरे पे जेंटली मसाज कर दूंगी। अब ये लगाने के बाद 2 मिनट वेट करेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। प्राइमर के बाद हमारी प्रोसेस होती है कंसीलर या फाउंडेशन। अगर आपकी स्किन को करेक्टिंग की ज़रूरत है, यदि आपको बहुत सारे पिगमेंट मार्क्स है या फिर स्कार्स है, तब हमें एक्सट्रीम करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। पर आप देख सकते हैं मेरी स्किन को इतने करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगी फाउंडेशन से। तो आज मैं आपको एक नई टेक्निक बताने वाली हूँ जिसमें मैं ऑयल फाउंडेशन और वाटर फाउंडेशन मिक्स करने वाली हूँ। ऑयल फाउंडेशन और वाटर फाउंडेशन मिक्स करने से जो वाटर फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा ड्राई लुक होता है वो हमारा ऑयल फाउंडेशन कवर कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, तो इसीलिए मैं ये वाटर फाउंडेशन के साथ में ये ऑयल फाउंडेशन मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का शेड नंबर S0658 वनीला, जो कि वाटर बेस्ड फाउंडेशन है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ पैक, जो कि एक बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है और ये एक इंडियन ब्रांड है। तो मैं आप सबको ज़रूर रिकमेंड करूँगी पैक के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए। और इसका शेड नंबर हम यूज़ करेंगे 3.1। तो अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेकअप स्टूडियो का बहुत कम अमाउंट में फाउंडेशन लिया है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। और अब मैं ले रही हूँ ये पैक, इसका भी मैं थोड़ा सा ही फाउंडेशन लूंगी। आप देख सकते हैं मेकअप स्टूडियो का कलर लाइट है और पैक का कलर मीडियम है, जो मिक्स करके मेरा परफेक्ट स्किन टोन बनता है। मुझे थोड़ा सा फाउंडेशन कम पड़ गया, तो मुझे और थोड़ा सा लेना पड़ेगा फॉर माय नेक। जैसे कि आपने देखा अभी, मैंने इस वीडियो में आज मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ किया है। वो नहीं यूज़ करने का रीज़न ये है कि मैं इस ऑयल फाउंडेशन को अपने वाटर फाउंडेशन के साथ मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र भी लगाती तो बहुत ज़्यादा मेरा बेस ऑयली हो जाता और वो मेल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने मिक्स कर दिया और मैं अपने नेक पे लगा दूंगी इसे। मेकअप स्टूडियो और पैक दोनों ऐसी ब्रांड्स हैं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने काफी लोगों से रिकमेंडेशन सुने हैं और मैं पर्सनली खुद भी अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी ब्राइड्स के लिए हमेशा ये यूज करती हूँ। अब हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। जब भी आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं तो कभी भी आप याद रखिए कि आपको रब नहीं करना है, आपको सिर्फ पैक करना है।
टैप टैप टैप। अगर आप रब कर रहे हैं मतलब आप अपना पूरा फाउंडेशन अपनी स्किन से निकाल रहे हैं, तो वो मेकअप ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकता है। अब बारी है पाउडर की, तो यहाँ पे मैं अभी यूज कर रही हूँ बेला वेस्टा का कॉम्पैक्ट पाउडर और इसमें शेड नंबर है कोल्ड पीच 01। आप कभी भी पाउडर स्किप मत कीजिए क्योंकि पाउडर हम हमेशा हमारे फाउंडेशन को सेट करने के लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हाइलाइटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं हाइलाइटिंग करूंगी कॉन्ट्योर करके और उसके बाद उसके मैं अपने कंसीलर से हाइलाइटिंग करूंगी, तो शायद आपको भी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि हमें पता है कंट्योरिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक पाउडर कंट्योरिंग और एक क्रीम कंट्योरिंग, बट मैं यहाँ पे पाउडर कंट्योरिंग यूज़ करूँगी क्योंकि मैं पर्सनली पाउडर कंट्योर प्रेफर करती हूँ, वो बहुत जल्दी हो जाता है और क्रीम कंट्योर को ब्लेंड करने के लिए बहुत टाइम लगता है और पाउडर कंट्योरिंग नेचुरल भी लगता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कलर बार का किट, कंट्योर किट, जिसमें आप देख सकते हैं दो शेड्स हैं, एक डार्क शेड फॉर कंट्योरिंग और ये है हाइलाइटर। और मैं अपना पाउडर कंट्योर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश मैन का ब्रश नंबर 03। मैंने प्रोडक्ट ले लिया, इसे हम थोड़ा डस्ट करेंगे और हमेशा याद रखिए जब भी आप कंट्योरिंग कर रहे हैं आपको फिश फेस बनाना है, आप पिगी फेस भी कह सकते हैं ऐसे। ये मेरी जॉ लाइन की कॉन्ट्योरिंग हो गई, क्या आप देख सकते हैं मेरा जॉ थोड़ा शार्प है और थोड़ा सा मेरा फोर है, बहुत थोड़ा सा। ये हो गई मेरी कॉन्ट्योरिंग, मैं थोड़ा सा ब्रश को क्लीन कर लूंगी और फिर से एक बार ब्लेंडिंग करूँ। ये हो गया, अब हम लेंगे पाउडर ब्रश और हम लोगों का जितना भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है वो निकाल लेंगे। ये पाउडर ब्रश यूज करने से आपका अगर कभी भी आपके कॉन्ट्योरिंग में पैचेस दिखते हैं तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ये हो गई मेरी कंट्योरिंग, अब पहले हम लोग आई मेकअप खत्म कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कंसीलर के साथ हाइलाइटिंग कैसे होती है। तो आई मेकअप के लिए भी जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्रॉन्ज मेकअप, तो मैं सबसे पहले तो उसमें ब्राउन यूज करूंगी और थोड़ी बहुत हाइलाइटिंग कैसे हम अपनी आंखें कैसे थोड़ी बहुत हाईलाइट कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूज करूंगी पैक का ये आईब्रो करेक्टर, देख सकते हैं, और वो मैं अपनी फिंगर्स से ही यूज करूंगी। देख सकते हैं मैं इसे सिर्फ अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भी मेकअप नहीं करना है। जब आपको एकदम हल्का मेकअप करना है, आप बहुत ज़्यादा मेकअप पर्सन नहीं है बट आपको एक
डिसेंट लुक कैरी करना है तो आप ये हमेशा यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बेस पसंद नहीं है या जिन्हें बहुत हैवी आई मेकअप पसंद नहीं है पर उन्हें कॉन्ट्योरिंग अच्छी लगती है, तब आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं मैं मेरा आई शेडो मेरे आईब्रो करेक्टर से क्रिएट कर रही हूँ, तो अगेन ये एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर आई शेडो। इससे थोड़ा सा लाइट हो गया। ये मेरा ब्राउन एप्लीकेशन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा एक हाइलाइटी टच देने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे है इन कलर का ये बेकिंग हाइलाइटर जो हम यूजुअली अपने चीक बोन्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसका आईज पे कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास रोज़ गोल्ड कलर अवेलेबल है जो एप्लीकेशन के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और आपको थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट देता है, तो ये भी मैं अपने फिंगर्स पे लूँगी थोड़ा सा और मैं सिर्फ इसे अपने आईबॉल के यहाँ अप्लाई करूँगी थोड़ा सा। देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा अप्लाई किया और सिर्फ मेरी आई के सेंटर में अप्लाई किया है। ये होने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ मेरी आईज का सेंटर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। जिन्हें बहुत कम आई मेकअप पसंद है, जिन्हें न्यूड लुक बहुत अच्छा लगता है, वो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यूज़ करूँगी लाइनर। लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का ये आई स्टूडियो फिक्स जो बहुत रीजनेबल भी है और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है और प्लस लॉन्ग लास्टिंग भी है। इस आईलाइनर ने बहुत बार मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दी है क्योंकि ये निकलता ही नहीं है मैं इसे कितना भी निकालूं। ठीक है, अब मैं बहुत थिन लाइनर अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आई मेकअप नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं थिन लाइनर अप्लाई करूँगी। ये पहले मैं एक लाइनिंग क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हर चीज़ परफेक्शन से करनी चाहिए और स्पेशली मेकअप एक आर्ट है और आर्ट हमेशा आराम से ही की जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट और काइंड ऑफ पर्सन है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ये हो गया और मेरी आँख में ये थोड़ा सा आ गया है, तो मैं इसे अपने हाथ से निकाल लूँगी। अब मेरा फेवरेट पार्ट है मस्कारा। सबसे पहले मैं अपनी आईलैशेस को इससे कर्ल कर लूँगी। अगर आपको अपनी आईलैशेस में थोड़ा वॉल्यूम चाहिए तो आप आईलैश कर्लर ज़रूर यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। मैं इनफैक्ट मैं हर रोज़ ये कलर यूज़ करने के बाद मस्कारा अप्लाई करती हूँ। प्लीज़ जब भी आप ये यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, इसे बहुत ज़्यादा भी प्रेस नहीं करें क्योंकि इससे आपके आईलैशेस कट होने का भी डर होता है।
लगता है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आई लैशेस कर्ल करने से ही मेरे आई लैशेस में थोड़ा वॉल्यूम आ गया है। अब इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मस्कारा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर का ये मस्कारा, जो कि बहुत थिक है और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। अपने लोअर लैशेस को कवर करना नहीं भूलिए, हमेशा अपने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाइए, नहीं तो वो बहुत अनफिनिश्ड दिखता है। मुझे सादा काजल पसंद नहीं है क्योंकि मेरी आंखें सेंसिटिव है और मुझे बहुत ज़्यादा काजल नहीं सूट करता है। तो अगर आप लोगों को काजल अच्छा लगता है तो आप काजल लगा के उससे थोड़ा आउटसाइड में स्मच कर सकते हैं, तो वो आपको और अच्छा इफेक्ट देगा। तो अब मैं यूज़ करूँगी मेरा आईब्रो करेक्टर, मेरी थोड़ी सी आईब्रोज फिलिंग के लिए। मेरे आईब्रोज वैसे ही थिक है पर फिर भी उनको एक अच्छा शेप देने के लिए मैं आईब्रो फिलर यूज़ करूँगी, और यहाँ पे मैं वही पैक का आईब्रो फिलर यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ में आईब्रो करेक्टर ब्रश। सबसे पहले मैं उसमें से ब्राउन शेड यूज़ करूँगी। अगर आपको अपना मेकअप क्विक करना है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके आईब्रोज क्लीन करने का, तो आप डायरेक्टली आईब्रोज फिल भी कर सकते हैं, क्योंकि एनीवेज ये कवर हो जाते हैं कलर से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ब्राउन कलर का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ और जहाँ पे भी मेरे गैप्स हैं मेरे आईब्रोज में, वहाँ पे मैं इसे फिल कर रही हूँ। साइड हो गया। आप प्लीज प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लेके आप यूज करें, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट ब्रश में ले लेते हैं तो बहुत बार एक पैची लुक आने की संभावना रहती है। और ये मेरा आईब्रोस हो गए। अब बारी है ब्लशर की। ब्लशर के लिए मैं यूज करूंगी मिस क्लेयर का ब्लशर पैलेट, जिसमें ऑलमोस्ट 6 शेड्स हैं, देख सकते हैं। उसमें से मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा टूवर्ड्स ब्रॉन्ज है और मुझे ब्रॉन्ज मेकअप चाहिए। अगेन टेक द प्रोडक्ट, डस्ट कीजिए और एप्लीकेशन। सबसे अच्छा तरीका है ब्लशर एप्लीकेशन का अ वेरी बिग स्माइल, तो अच्छी सी स्माइल कीजिए और ब्लशर एप्लीकेशन। हो गया। अब फिर से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालने के लिए ये पाउडर ब्रश यूज करूंगी, देख सकते हैं। और अब जो मैंने कहा था हमारी हाइलाइटिंग विथ कंसीलर, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का फिट मी, शेड नंबर है सैंड सेबल। हाइलाइटिंग के लिए हम सिर्फ हमारी अंडर आईज, फोरहेड का बीच का पोर्शन और हमारा चिन,
थोड़ा सा अगर आपने अपने जॉस पे भी लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं मेरा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करके हाइलाइटिंग कर दूंगी। अगेन ओनली टैप टैप टैप। मैंने अपने नोज़ की कॉन्ट्योरिंग नहीं की क्योंकि मेरे नोज़ को एज सच कॉन्ट्योरिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसे थोड़ा सा हार्ड हैंड से करना पड़ रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी सूख जाता है, तो आप इसे जितना जल्दी ब्लेंड करें उतना अच्छा होगा, वरना पैचेस दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मैं फिर से थोड़ा सा पाउडर लेके एक बार मेरा मेकअप सेट कर लूंगी। डस्ट, लुकअप, एप्लीकेशन, क्या? अब मैं मेरा फेवरेट शेड यूज करूंगी फ्रॉम मिस क्लेयर लिपस्टिक के लिए, और ये है एकदम न्यूड ब्राउन, और इसका नंबर है 56 विथ अ लिटिल बिट पिंकिश टच। मेरा लिपस्टिक एप्लीकेशन हो गया। अब मैं एक बार चेक करूंगी कि कहीं पे मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। सारे साइड से हम अच्छे से देख लेते हैं, और ये मैंने पकड़ ली एक गलती, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लेंडिंग रह गई है। एक बार हम बफरिंग कर लेंगे। बफरिंग मतलब हमारे फेस पे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो इस टेक्निक से निकल जाता है, और जब भी आप बफरिंग करते हैं अपने फेस की, आपको ब्रश को एकदम दूर से पकड़ना है और सिर्फ हल्का सा फैन के जैसे फैन करना है। बफरिंग ब्रश अलग से आता है जो फैन की शेप में होता है, बट अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम ये ब्रश यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरा मेकअप हो गया है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।